नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी न्यूज में। टीकमगढ़ दीपक किन्नर अपने समाज साथियों के साथ आज सुबह 6:30 बजे ड्राइवर के साथ टैक्सी से अनंतपुरा से शहर टीकमगढ़ में मांगनी नाचने कलेक्टर मुख्य सड़क से गुजर रहे थे, तो वहीं पर पहले से मौजूद अंजलि किन्नर अपने नर प्रेमी नन्हे राजा ठाकुर के साथ सड़क पर टैक्सी रोककर बोला उतरो और ड्राइवर से टैक्सी की चाबी छीन ली। वहीं अभद्र भाषा की गंदी गंदी गालियां देने लगा और कहा कि तू बहुत किन्नर समाज के साथ झोलक बजाता है, तेरी दोनों आंखें निकालकर अपनी जेब में रख लूंगा। और नन्हे राजा के साथ अंजलि किन्नर भी गाली गलौज कर चाकू निकालकर जान से मारने की धमकी देने लगती है। वहीं नन्हे राजा ने पवन वंशकार के सिर पर कट्टा लगाकर अभद्र भाषा में जाति सूचक गालियां दी और कहा तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगा। दीपक किन्नर ने बताया कि यह इससे पहले भी हमारे गुरु किन्नर कैंसर हाजी के साथ भी मारपीट कर चुके हैं। यह आरोपी फरियादी के साथ कोई भी अप्रिय घटना कर सकते हैं। पूर्व में भी आरोपी अंजलि किन्नर फरियादी दीपक के साथ गंभीर मारपीट कर चुका है, वहीं जिसका केस न्यायालय में विचाराधीन है एवं आरोपियों के विरुद्ध सूक्ष्मता से जांच कर त्वरित कार्यवाही कर फरियादी के जान माल की सुरक्षा किए जाने के लिए दीपक किन्नर एवं उनके साथियों ने पुलिस अधीक्षक ऑफिस जाकर ज्ञापन दिया। मेरा नाम साहब चांदनी है। क्या काम करते हैं आप? हम लोग मांगने खाने का काम करते हैं। क्या बधाई वगैरह होती हैं, जो बच्चा होते हैं, शादी होते हैं, सब कार्यों में हम लोग जाते हैं। हम लोग परेशान हैं, एक जो हमारी बिरादर का है उसने शादी कर ली, अब वो अपने उसको लेके हम लोगों को, इन लोगों को, सबको परेशान कर रहा है। किस बात को लेके? बस्ती के पीछू, जायदाद के पीछू। वो कह रहा है कि हमको दो, नहीं तो हम मांगने खाने नहीं देंगे, जान से मार देंगे। सबको मारने की धमकी देता है। उसके साथ एक लड़का भी रहता है, अंजलि उसका नाम है, और उसके जो लड़का साथ में रहता है उसका नाम है नन्हे राजा, झनगुमा का रहने वाला है वो। वो मारने की धमकी देता है। कट्टा लेके आया, कई कुछ लेके आता, कई कुछ लेके आता है। अंजलि के पास तो हम लोग इसीलिए आवेदन पत्र लेके आए हैं कि हमारी रक्षा करी जाए और हमारी सहायता करी जाए। देहात थाने में भी डाली और यहाँ कोतवाली में भी डाली और यहाँ भी आए हैं। कलेक्टर साहब के पास डाली, सबके पास डाली है। यही चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो और उसको सजा मिले। कितने लोग हैं आप? काफी लोग हैं, हम तो 6-7 लोग हैं। किसी के साथ मारपीट की थी? हाँ, अभी मारपीट हुई है, सुबह मारपीट हुई है। लोगों को, चेलों को मारा है, ये खड़े हैं, लोगों को सबको मारा है छेंक के। वो भी साथ में था, उसके साथ में कुछ लड़के भी थे। मुझे काट भी लिया। हाँ, काटा भी है उसने। हाँ, उस लड़के के साथ कुछ लोग गुंडे रोल भी रहते हैं। आप लोग क्या चाहते? हम लोग यही चाहते हो कि हम लोगों के साथ न्याय हो और उसको उसकी गिरफ्तारी हो। हाँ, रिपोर्ट करी है, सब कुछ करा है हम लोग, सब लोग सब करा है हम लोगों ने। कार्रवाई कुछ नहीं अब होगी, इसीलिए हमने अभी रिपोर्ट डाली है, अब कार्रवाई होगी। हम तो यही चाहते हैं कि सब लोग हमारी कार्रवाई की सुने। हाँ, हम नहीं रहने चाहते, इसी शहर से कहीं निकालें, निकाल दो, बस यही चाहते हैं, क्योंकि उसका डर है जान माल का हमारे। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहे डीवी न्यूज़ से।